कोई हल नहीं था यहूद नसारा के पास कि वो अरफात के मुकाबले में कहीं अरफात ले आएं मिना के मुकाबले में कहीं मिना ले आएं मुज़दलफा के मुकाबले में कहीं मुज़दलफा ले आएं और मुसलमानों के काबा तो क़ाबा रहा मुसलमानों का जो सालाना इजतम है हज इसके मुकाबले में कोई अपना इजतमा दिखा सकें उनके पास सदियों से इस बारे में मुकाबलाबाजी का जेन रखने के बावजूद कोई जवाब नहीं था और ये जब हर साल इतनी भारी अक्सरियत लाखों मुसलमान दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से चलकर वहाँ एक वर्दी के अंदर हालत एहराम में लब्बल्मा लब्ब लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक वल मुल्क ला शरीक लक ये सदाएं बुलंद करते थे और इनका एक पूरा मौसम हज का जो था इसका वो तोड़ तलाश कर रहे थे ना किसी सैरगा में तोड़ था ना किसी आराम गाह में तोड़ था ना किसी लालाजार में ना किसी सब्ज़ा में ना किसी साहल समुंदर पर तो कभी भी इस अजतमा का मुतबादल ना हो सका और ये एक ऐसी चीज़ थी साल के बाद मुसलमानों की कि जिसकी वजह से मुसलमानों की बैटरियाँ चार्ज हो जाती थीं जिसकी वजह से बातिल अधान का फैलाया हुआ सारा प्रापोग्डा ख़त्म हो जाता था उनका कहना कि इस्लाम की मुद्दत ख़त्म हो गई है माजल्ला एक्सपायर हो गया है लोग छोड़ गए हैं इस्लाम को इस तरह की सारी बातों का एक वाज जवाब इस सूरत में भी आ जाता था जब हज का ये मौका गुज़रता था लेकिन ये कोरोना की आड़ में गुजत साल से जो हज को मअतल किया गया ये इतना बड़ा इजतमाही जुर्म है पूरी उम्मत के लिहाज से और बिलखसूस जो वहाँ के जिम्मेदार हैं कि इसका कल क्यामत के दिन जवाब देना बड़ा मुश्किल होगा अब यहूदो हनूद बगलें बजा रहे हैं और ये सिर्फ एक वहमी चीज़ करोना से इन्होंने काबे को रौनकों से यूं जदा किया कि अगर कहीं एलान जंग भी हो जाता यहूद नसारा की तरफ से कि हम मुसलमानों को इस साल हज नहीं करने देंगे तो ये मुमकिन ही नहीं था कि हज को रोका जा सकता यानी वो कहते कि सिर्फ़ हमने दस हज़ार को हज करने देना है बाकी कोई हज करने ना आए तो ऐसा इम्कान ही नहीं था नहीं आज जो लाइव चल रही थी तस्वीर सुबह खाना काबा की तो गिने चुने तवाफ करते हुए दस बारह बंदे नजर आ रहे थे और ये दिन वो दिन हुआ करते थे कि चौबीस घंटों के अंदर मुकम्मल सेहन और सारी छतें जहाँ तिल धरने की भी जगह नहीं होती थी इतने दुनिया भर से आए हुए लोग वहाँ दिन रात तवाफ़ करते नज़र आ रहे होते थे अब जाहिर है कि अब एक काबीदा सी सूरत हाल आलम इस्लाम देख रहा है ना वो वलवला ना वो लब्बैक की सदाएं और ना आलम इस्लाम के गैदरंग के लिहाज से बातिल के सामने एक चैलेंज तो ये एक बहुत बड़ा फितना है और बहुत बड़ी साजिश है इस्लाम के ख़िलाफ़ और अगर ख़ुदा नखास्ता वैसे मैंने तो पिछले साल कह दिया था कि यह जिन्होंने इस साल हज का ऐसा हशर किया है जब तक ये रहेंगे अब पहले की तरह हज नहीं हो सकेगा क्योंकि तो ये जिन जरासीमों से और कोरोना से डरे हुए हैं उस लिहाज से इन्हें कोई भी कह दे के फला मुल्क में तो इस इसमें ये हो गया है फला में ये हो गया है, हो गया है तो वो दूर कहीं फितना करोड़ों मील हो फिर भी उससे सहम के बैठ जाते हैं यही सूरत हाल मदीना मुनवरा की है और दीन हमारा क्या है कोरोना जो कुछ भी है दज्जाल से बड़ा तो नहीं है तो दज्जाल की गारंटी दी हुई है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मक्का मुकरमा में और मदीना मुनवरा में दज्जाल दाखिल नहीं हो सकेगा तो जिन मुसलमानों का अब यह हाल है दज्जाल के आने पे क्या होगा यानी इसको दोनों शहरों को तो मावरए अक़ल मानना चाहिए था कि अगर गेट बनाए बग़ैर और नज़र आए बग़ैर फरिश्ते दज्जाल को रोक सकते हैं हदूद मदीना में दाखिल होने से तो वो क्या करोना को नहीं रोक सकते यानी मुसलमान अपना यकीन तो जाहिर करें अब दुनिया के दीगर शहरों पर इन्होंने इन शहरों को भी क्यास कर लिया यानी वो तो चाहते थे गैर मुसलिम कि हमारे पीछे पीछे ये आए और फिर आगे बंद गली में बंद हों उन्होंने अपने शहर बंद किए और उन शहरों के लिए तो कोई मलाका की फ़ौजों की हिफाजत का ऐलान नहीं था और इन्होंने इधर मदीना मुनवरा और मक्का मुकरमा जो है इसके अंदर यानी ऐसी वीरानी बाहिर माजल्ला और अफसरदगी और दोनों हरम जो है उनके लिहाज से इस अंदाज़ की सूरतहाल पैदा की कि क्या माना बचा पीछे मदीना मुनवरा के दारुशिफा होने का कि अगर मदीना मुनवरा का दारुशिफा ही करोने की वजह से बंद है तो फिर शिफा का मतलब ही ये है कि मौत से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं मौत से शिफा देता है यानी कई लोगों की जो तदबीर तकदीर मालक है उसके लिहाज से उसके असरात हैं काबतुल्ला के असरात हैं लिहाजा यानी आज दूसरी बार जो हज मतल है यानी सिर्फ़ फार्मेलिटी के तौर पर चंद लोग कर रहे हैं वहाँ के लिए भी यानी कल से मस्जिद हराम में दाखिले के सर्टिफिकेट बनाने बंद कर दिए गए हैं यानी जो दाखिल हो सकता है सर्टिफिकेट पर हो सकता है अब कोई नहीं हो सकेगा कि आगे सर्टिफिकेट मजीद नहीं बन सकते वहाँ के लोगों के लिए भी कई गुना हज महंगा किया गया और बहर वालों पर पहले कि इतने हज़ार आ सकते हैं फिर ये कि सरकारी अफसरान आ सकते हैं फिर वो ज़रा आ सकते हैं आखिर में बिल आखिर यह है कि कोई भी नहीं आ सकता तो इस तरह ये जो जुर्म हो रहा है इस सदी के अंदर शायद चौदह सदियों में जो गुज़र चुकी हैं इस हद तक काबतुल्ल के साथ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा सलूक ना किया गया हो इस पर भी लाजिम है कि आलम इस्लाम के मुफ्तीने किराम किराम यानी आवाज़ उठाएं कि इस हज को तो हमें लाख बंदा शहीद करा के भी फिर भी करना था और अब सिर्फ़ एक ड्रावे की बुनियाद पर कि जिसकी कोई हकीक़त ही नहीं है उस बुनियाद पर हज मुअत्तल है और इसके साथ साथ फिर जब मरकज़ इस्लाम में ऐसी सूरत हाल है तो नीचे तो जाहिर है कि फिर लोग चढ़ते सूरज को देखते हैं और फिर सबके यकीन ईमान का मामला बन जाता है